विशाल, फिर से हूँ आपके सामने और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे अल्जेब्रा को। अल्जेब्रा में हमने 1 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और जैसा कि इसमें आपको पता है कि अल्जेब्रा में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। टाइप 1 है उसमें तकरीबन 300 से ऊपर क्वेश्चंस हैं, फिर टाइप 2 में भी तकरीबन 300 क्वेश्चन हैं, फिर टाइप 3-4 यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 800 से 900 सवाल हैं इस चैप्टर में। तो मैंने आपसे कहा है कि मैं हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा आपको, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही आसान हैं, ठीक है, मतलब कि जिसको आप या फिर अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर देखा है तो कई सारे क्वेश्चंस आप बिना पेन उठाए कर लोगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ऐसे बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, तो हर एक क्वेश्चन पे टाइम देना हमारे लिए वर्थ नहीं है। हम लोग उस क्वेश्चन पर टाइम दें जो थोड़ा टफ है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और वैसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, उसको हम थोड़ा सा कम समय में उसको इग्नोर करेंगे, उस वैसे क्वेश्चन को। हालांकि मैं तरीका बता दूंगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं उसे नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वो चीज़ आती है, ठीक है दोस्तों। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अलजेब्रा का आगे का सेक्शन, तो लेट्स गो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि एक्स प्लस 3y है ना, एक्स प्लस 3y बराबर माइनस 3x प्लस y, ये आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इसमें हम लोग चाहें तो दोनों तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, या तो एक्स वाई का रेशियो पहले निकालना है यहाँ से, क्योंकि मान निकालना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स दो हैं, इक्वेशन एक है, तो एक्स वाई का पक्का मान निकालना संभव नहीं है, तो हम लोग यहाँ से लेकिन एक्स वाई का रेशियो निकाल सकते हैं। तो या तो रेशियो निकाल लें, एक्स अपॉन वाई पता कर लें और एक्स वाई ला के यहाँ रख दें, स्क्वायर करके काम बन जाएगा, या दूसरा तरीका कि हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करें, तो वो तरीका पे उस पे मैं फोकस करने वाला हूँ। अगर दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि एक्स इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ, अगर मैं इसमें एक्स इक्वल टू 1 पुट करूँ तो ज़रा देखिए, तो वाई बराबर क्या आएगा, 1 प्लस 3y बराबर माइनस 3 प्लस वाई, यानी कि 2y बराबर माइनस 4, वाई बराबर माइनस 2। अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो y बराबर माइनस 2 आता है, तो बस x और y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 1 स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1 अपॉन 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ मैंने इसको वैल्यू पुटिंग से किया है, अपने मन से मैंने कोई x का वैल्यू रखा, फिर y का एक मान खुद ब खुद आ गया, एक्स वाई रखा आ गया। एक्स अपॉन दूसरा तरीका कि आप एक्स अपॉन वाई यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसान है और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें है कि a बाय टू b बाय 3 और c बाय 5, ये आपको दे रखा है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो बताइए कि a प्लस बी प्लस सी बाय सी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाय सी क्या किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों को एक चौथी क्वांटिटी से इक्वेट कर देते हैं। मान लेता हूं मैं ये तीनों m के बराबर है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि a बराबर 2m, जब मैं a बाय 2 और m को इक्वेट करूंगा तो मैं लिख सकता हूं a बराबर 2m। चलिए तो a की जगह मैं 2m लिख सकता हूं, b की जगह क्या लिख सकता हूं, b बराबर 3m लिख सकता हूं और c बराबर क्या लिख सकता हूं, 5m अपॉन, फिर नीचे c है तो फिर नीचे 5 है, तो आप अगर देखो तो आपको आएगा 10m/5m कैंसिल हो गया और मुझे फाइनल आंसर आ गया 2, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर 2। आसान सा है, ऐसे सवालों में आपको ये काम करना पड़ता है कि इसको किसी तीसरे चीज़ से इक्वेट करना पड़ता है और उसके बाद उसके हेल्प से तीनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी और हमें फाइनल आंसर 2 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान सवाल है, 28 बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको देखिए आपको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। आपको दे रखा है कि a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2ab प्लस 2a के बराबर है, 2ab प्लस
2a के बराबर है, तो a की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। दोस्तों अब देखिए इक्वेशन कितना है, इक्वेशन है एक, वेरिएबल्स कितने हैं दो, तो पक्का मान निकालना a और b का संभव नहीं है वैसे, लेकिन एक तरीका जो कि हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। आपको पता है दोस्तों कि किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर स्क्वायर बराबर अगर जीरो दे रखा है, मतलब कि यहाँ ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, क्योंकि ए और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो दोनों का सम अगर जीरो होना है तो दोनों को जीरो होना पड़ेगा, ए स्क्वायर भी जीरो बी स्क्वायर भी जीरो, यानी कि ए भी जीरो बी भी जीरो, ठीक है। इसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो इधर 2ab और 2a है दोनों को मैं इधर ले आता हूँ, जब इधर लाऊंगा तो ये माइनस 2ab हो जाएगा और जब इसको लाऊंगा तो ये माइनस 2a हो जाएगा बराबर जीरो। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, इस फॉर्मूले पे मैंने इसको बिठा दिया, ठीक है, और मेरा आंसर आ गया। दोस्तों यहाँ पे 2b भी है, ठीक है, बी माइनस ए माइनस वन का होल स्क्वायर। अब दोनों का सम यानी कि दिस प्लस दिस बराबर मुझे क्या है जीरो, यानी कि ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए, कहने का मतलब कि a प्लस बी जो है वो 6 के बराबर होना चाहिए और b माइनस ए जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं करूँ कैंसिल, a हो जाएगा कैंसिल, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3.5। अगर मैं a की बात करूँ, a क्या होगा तो 6 माइनस 3.5 बराबर 2.5, तो ए की वैल्यू आ गई 2.5, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है सब क्वेश्चंस में, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर का सवाल है, कैसे हम लोग कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। आपके पास एक वैल्यू दे रखी है कि एक्स प्लस 1/4 रूट एक्स और प्लस ए स्क्वायर, ये आपको एक टर्म दे रखा है और इसमें कहता है कि ए की वैल्यू बताइए क्या होगी अगर एक ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ए की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम पक्का हम इसको ए प्लस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको पक्का हम ए प्लस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स को मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जरा देखिए ये ए स्क्वायर, मैं इसको 2ab बनाना चाहता हूँ तो 2ab बनाने के लिए मुझे पहले 2 लेना पड़ेगा और यहाँ पे एक मुझे लेना होगा रूट एक्स, रूट एक्स तो होगा ही। अब जरा देखिए कि अगर मैं नीचे लाना चाहता हूँ 4, तो यानी कि इसको मुझे 1/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो कट के 4 आएगा, तो इसके बराबर आएगा। जरा देखिए ध्यान से, 1/8 मुझे लेना पड़ेगा, बस काम खत्म। अब यानी कि ए स्क्वायर के जगह पे 1/8 का स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, तभी तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में आ पाएगा। तो यहां से मैं आराम से कह सकता हूं कि ए बराबर 1/8 होना चाहिए अगर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर होना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा और यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 30 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में एक बात समझने वाली है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर दो ऋणात्मक संख्या है, जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या है ए और बी, तो यहाँ पे एक बात मुझे बताइए कि अगर ए और बी धनात्मक संख्याएं हैं तो रूट ए और रूट बी ये मैं अगर लूं, ठीक है, अगर तो इसमें से कोई एक बड़ा होगा तो मान लेता हूं ए बड़ा है, ठीक है, ए और बी में ए बड़ा है तो रूट ए भी बी से बड़ा होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं इस रूट ए को इस रूट बी के साथ जाके चिपका देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर जीरो। अब स्क्वायरिंग कीजिए, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सॉरी माइनस 2√ab हो जाएगा दोनों तरफ, और जीरो का स्क्वायर क्या होता है जीरो, ठीक है।
अब ये माइनस वाला टर्म है, इसको इधर लेके चले जाइए जीरो के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा टू रूट ए बी, टू को ले जाइए इसके नीचे, बस यही मेरा रिजल्ट है कि अगर दो ऐसी संख्याएं हैं, दो धनात्मक संख्याएं हैं, या दो संख्या है नॉर्मली जो एक है दूसरी से बड़ी, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ए प्लस बी बाई टू बड़ा होगा हमेशा रूट अंडर ए बी के, हमेशा ए प्लस बी बाई टू बड़ा होगा रूट अंडर ए बी से। दोस्तों अगर आपको पता हो या ना हो, इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन और इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स देन अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आसान सा है और यही सवाल का आंसर है, तो ऑप्शन नंबर थ्री है इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 32, मजा आएगा आपको ये सॉल्व करके। आपको दे रखा है कि ए अपॉन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस बी प्लस सी अपॉन वन माइनस सी बराबर जीरो। तो आपसे पूछ रहा है कि वन अपॉन वन माइनस ए, वन अपॉन वन माइनस बी प्लस वन अपॉन वन माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इसको भी करने के दो तरीके हैं, या तो आप बेसिक मेथड लगाएं, तो पहले चलिए हम लोग वो लगा लेते हैं यानी कि वन के बराबर है। मैं क्या करता हूँ कि हर एक टर्म में एक एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं एक ऐड, इसमें मैंने ऐड किया, इसमें भी एक ऐड किया, इसमें भी एक किया, और इसमें भी तीन करना पड़ेगा, इधर भी मैंने तीन ऐड किया, इधर भी तीन ऐड करना पड़ेगा, और वो तीन में से एक एक मैंने तीनों को बांट दिया। इसको लिख सकता हूँ वन प्लस वन माइनस ए अपॉन वन माइनस ए प्लस बी प्लस वन माइनस बी अपॉन वन माइनस बी प्लस सी प्लस वन माइनस सी अपॉन वन माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ए से ए खत्म हो गया, बी से बी खत्म हो गया, सी से सी खत्म हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, चार। दोस्तों ये बहुत क्लियर तरीका है, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं बिना कुछ किए। ठीक है, तो वो तरीका मैं बताता हूँ, ये तो बेसिक मेथड हुआ। दोस्तों एक इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन आपको एक दे रखी है और वेरिएबल्स कितने हैं, तीन। इक्वेशन की संख्या वेरिएबल्स की संख्या से कम है तो यहाँ हम लोग अपने मन से वैल्यू मान सकते हैं, वैल्यू पुटिंग हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों ऐसा करता हूँ कि मैं ए और बी के जगह मैं जीरो जीरो पुट कर देता हूँ, ए और बी के जगह जीरो जीरो पुट कर देता हूँ। अगर ए जीरो सॉरी अगर ए जीरो रखूंगा मैं, अगर मैं ए जीरो रखूंगा तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि सी अपॉन वन माइनस सी बराबर वन, तो सी बराबर वन माइनस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई वन बाई टू, यानी कि ए अगर मैं जीरो रखूँ, बी अगर जीरो रखूँ तो सी की वैल्यू वन बाई टू आती है। ठीक है, तो अब आसान सा, अब बस जिस अब ये मुझे वैल्यू निकालनी थी इसकी, यहाँ जाके मैं रख देता हूँ वन अपॉन वन माइनस जीरो प्लस वन अपॉन वन माइनस जीरो प्लस वन अपॉन वन बाई टू, आपको शायद दिख नहीं रहा हो। ठीक है, तो ये वन माइनस वन अपॉन टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, दो, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, टू प्लस वन क्या हो गया, फोर। देख रहे हैं कितना आसानी से मैं आंसर आ गया, बस हमने ए और बी की जगह कुछ कोई वैल्यू रख दी और आखिरी सी की वैल्यू खुद ब खुद एक वैल्यू निकल के आ गई, ए बी सी हमें पता चल गया, ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ जाके रखी, हमें चार आंसर आ गया। दोस्तों इसे कहते हैं वैल्यू पुटिंग, जो कि आपको आनी ही आनी चाहिए आज के टाइम में, जो कि जब आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो इस ऐसे सिचुएशन में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये वैल्यू, ये तरीका, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें आपको दे रखा है कि एक्स पावर 1/3 जो है वो वाई पावर 1/4 के बराबर है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो एक रिलेशन मुझे फाइंड करना है। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, पहले मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूँ, क्यूब अगर क्यूब करूंगा तो 1/3 है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 3 है, इधर क्यूब करूंगा तो ये क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ एक्स। वाई पे पावर 1/4 है, अगर क्यूब करूंगा तो इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा 3। ठीक है,
अब ये हो जाएगा 3 बाय 4 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3 बाय 4। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 4 टाइम्स करता हूँ, दोनों पे पावर 4 करता हूँ। अगर 4 करूँगा तो इधर भी 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स पे पावर 4 ये ऐसा रह जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, वाई पे पावर 3। तो यही मेरा आंसर हो गया, एक्स पे पावर 4 बराबर वाई पे पावर 3। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर मैं कहूँ तो देखिए, अब आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है वहाँ पे ये छिपा हुआ है। अगर मैं दोनों तरफ एक्स पावर 5 कर दूँ तो ये 20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 15। यानी कि यही मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। अगला सवाल, क्वेश्चन, ए पे पावर 2x+2 बराबर 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ ए पे पावर 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ, 2x+2, बेस सेम है, पावर कंपेयर हो जाएगा 0, एक्स की वैल्यू आ गई -1, एक्स की वैल्यू -1 आ गई, यही हमारा सवाल में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 है, और इसमें जो है वो आपको पता करना है कि एक्स पावर -x+1, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। दोस्तों मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प लेते हैं, मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प लेते हैं, तो वही लेते हैं इसी केस में। इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर -2 × 1/2 × x। ठीक है, एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। अब मुझे ए स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, तो अब क्या बचा हुआ है, बी स्क्वायर की दरकार है, तो लो बी स्क्वायर भी अपने मन से मैं ले लेता हूँ, ये हो गया +b². इसको बैलेंस करने के लिए -b² लेना पड़ेगा। ठीक है, और फाइनली क्या है, 1। कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए इसको मैं यहाँ करता हूँ, ए स्क्वायर -2ab + b² को मैं लिख सकता हूँ x - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बच क्या गया, बच क्या गया, 1 - 1/4। ठीक है, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर + 3/4। ठीक है, अब जरा देखिए, यानी कि इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देख के मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। दोस्तों इस ये जो टर्म है यही है वेरिएबल, यही चेंज होगा, बाकी सब तो सेम है, उसमें भी एक्स ही है जो बदलेगा। अब ये जो टर्म है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। मैंने आपको बताया था किसी भी टर्म का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा हो नहीं सकता। तो ये अगर इसका न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू 0 है तो ये खत्म। अगर इसको मैं 0 रखूँ तो क्या वैल्यू आ रही है पूरे टर्म की, 0 + 3/4, यानी कि 3/4। यानी कि इस टर्म की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3/4 होगी, उससे कम हो नहीं सकती। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि √7 - 2 / √7 + 2। ठीक है, ये मैंने बताया कि √7 + b ये इसके बराबर है, तो a और b की वैल्यू बताइए क्या होगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि हम लोग टर्म को कंपेयर करते हैं, ए और बी का एग्जैक्ट मान निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ कंपैरिजन करके आंसर निकालते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, √7 - 2 / √7 + 2। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज करूँ, तो अगर मैं इसको √7 - 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए जो मैं चाहूंगा वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऊपर में तो √7 - 2 का होल स्क्वायर हो गया, जरा नीचे देखिए क्या होगा, a + b × a - b, तो a² - b², यानी कि 7 - 2। ठीक है, अब देखिए 7 a² + b² यानी कि 4 - √7 - 2ab / 7, तो 7 × 4 = 11, 11/5 - 4/5 √7। ठीक है, ये टर्म है, और यहां से मैं कंपेयर करके बोल सकता हूं कि a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू जो है वो -4/5 है, -4। तो उसमें गलती यहां पे हुई कि यहां पे 4 हो जाएगा, 7 - 4 यानी कि 3,
और यहाँ भी थ्री और यहाँ भी थ्री। तो यहाँ मैं देख के कह सकता हूँ कि जो ए की वैल्यू हो माइनस फोर बाय थ्री होगी, ऑप्शन नंबर टू है मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में मैं लिख सकता हूँ, क्वेश्चन है कि 1 to 125 पे पावर एक्स अगर 3125 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत आसान सा तरीका है कि दोनों के बेस को सेम कर लेते हैं। पहले 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 to 3 पे पावर एक्स, 3125 को लिख सकता हूँ 5 to power, अगर आप कैलकुलेट करें तो 3 4 5 5 to power 5 लिख सकता हूँ, यानी कि लिख सकता हूँ कि 3x, यहाँ से ये पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, बेस सेम खत्म, 3x को मैं 5 के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, x की वैल्यू क्या आ गई 5/3। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 है मेरा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 इंटरेस्टिंग है। 5 to power root x प्लस 12 to power root x बराबर 13 to power root x। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा सोचें, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये यहाँ दिख रहा है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, लंब स्क्वायर गुना आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो रूट एक्स की वैल्यू यानी कि 2 के बराबर होना चाहिए, यानी कि एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो हर जगह स्क्वायर यानी कि एक्स की वैल्यू 4। अब दोस्तों ये तो एक जनरल मेथड है, लेकिन इसको मैं चाहूँ तो दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर दूसरे तरीके से करने से क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप सेंस लगाएं, थोड़ा सा अगर आपको बातें पता है, तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि 2 to power 2x - y बराबर 16 और 2 to power 2x + y बराबर 32। ठीक है, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 to power 4 और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 to power 5। यहाँ इसका और इसका बेस सेम है तो पावर दोनों का सेम कंपेयर कर सकता हूँ, यहाँ भी बेस अगर सेम है तो पावर कंपेयर कर सकता हूँ। तो 2x - y = 4 x + y = 5, y से y खत्म, x = 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। मुझसे पूछ रहा है किसके बारे में, x y की वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात नहीं x y भी निकाल लेते हैं। तो x बराबर अगर 3 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 xy = 6, xy = 6, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन एक्स वाई की वैल्यू 6। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सवाल है कि a प्लस 1/a² अगर 3 के बराबर है तो a² + 1/a² किसके बराबर होगा। दोस्तों आपको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ a² + b² + 2ab (2 × a × 1/a), तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये दे रखा है मुझे 3 के बराबर, ये 2 को मैं इधर ले जाता हूँ बच जाएगा 1, यानी कि a² + 1/a² जो है वो 1 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में है 2x - y / x + 2y = 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है मुझे दोस्तों, यहाँ अब एक टर्म की आंसर का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं x और y का रेशियो यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ और वो रेशियो जाके मैं जो चीज़ पूछा जा रहा है उसमें जाके मैं रख दूंगा x y का रेशियो, बस पता चल जाएगा। तो x y का रेशियो पता करने के लिए मैं ऊपर भी y से डिवाइड कर देता हूँ, नीचे भी y से, तो हर एक चीज़ में डिवाइड हो जाएगा y से, ये y से y खत्म, यहाँ हो जाएगा 1। अब x y की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी देर के लिए एक्स वाई को अगर मैं m मान लूँ तो 2m - 1/m + 2 = 1/2, तो 4m - 2 = m + 2, तो 3m = 4 / 3, m की वैल्यू क्या आ गई 4/3। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 3x - y / 3x + y क्या होगी,
दोनों में y y से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक्स वाई की वैल्यू क्या थी, 4/3, 3 × 4/3 माइनस 1, 3 × 4/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 − 1 = 3 और 4 + 1 = 5, यानी कि आंसर आ गया मुझे 3/5। आसान है, कुछ नहीं किया है मैंने, बस मैंने एक्स वाई का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैंने वाई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, एक्स वाई का रेशियो को मैं एम थोड़ी देर के लिए मान लिया, एम बराबर 4/3 यानी कि एक्स बाई वाई बराबर 4/3, बस इसमें भी मैंने एक्स बाई वाई कर दिया और एक्स पुट करके आंसर मुझे 3/5 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए और बी, जैसे इस तरह से हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो 19 के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। दोस्तों ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ये सवाल अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो ये थोड़ा आपको लगेगा मुश्किल, ठीक है, लेकिन ऐसे है नहीं। देखिए इसमें दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कौन सी दो संख्याओं का स्क्वायर का डिफरेंस 19 होता है, तो अगर मैं 10 का स्क्वायर याद करूँ और 9 का स्क्वायर याद करूँ तो दोनों का डिफरेंस 19 होता है। आंसर सॉल्व, ए की वैल्यू 10, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये मुद्दा है, ठीक है। आंसर चलो ये हमें पता है कि 10 का स्क्वायर होता है, तो चलो आंसर आ गया, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है तो वो बंदा कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ इसमें लिख सकता हूँ इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ 19 है, 19 को मैं लिख सकता हूँ 19 × 1 लिख सकता हूँ। अब मैं ए प्लस बी को 19 से कंपेयर करता हूँ ए माइनस बी को 1 से, तो ए प्लस बी बराबर 19, ए माइनस बी बराबर 1, ए की वैल्यू क्या आ गई 10, बी की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी कि ए की वैल्यू 10। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, आसान से बड़े ही आराम से आप इसको इस वैल्यू को आप सोच सकते हैं, बिना कुछ किए आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर भी मैंने आपको ये तरीका बता दिया किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है। पहले इस नंबर को एक प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कीजिए, फिर इसको फॉर्मूला लगाइए और फिर कंपेयर करके आंसर निकालिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास एक कुछ तरह से टर्म दे रखी है, ठीक है, √3 + x + यहां प्लस है और यहां माइनस है, ये आपको दे रखी है 4 के बराबर, तो आपसे पूछ रहा है 2 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करने जाएं तो बहुत मुश्किल होगी। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर a बाय बी अगर c बाय डी के बराबर आपको दे रखा है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये दोस्तों आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज मैं यहां अप्लाई करता हूं, ये ऊपर वाला a है, नीचे वाला b है, और ये अपॉन में 1 है, तो ये c है, ये d है, तो दिस प्लस दिस ऊपर में आएगा, इस इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये, तो 2 × √3 + x, फिर अब इन दोनों को घटाऊंगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो 2√3 − x बराबर ये c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, यानी कि 3/1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3/x 3 + x अपॉन 3 − x, मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 3 + x बराबर 27 − 9x, 10x बराबर 24, x बराबर 24/10 यानी कि 12/5 हो गया मेरा करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया मेरा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, नो डाउट थोड़ा बड़ा है, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से आप हो सकते हैं अगर आपको ये बात पता है। तो इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कि दो फ्रैक्शन अगर बराबर हो तो ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 अगला सवाल आपको दे रखा है कि x + 1/x अगर 5 के बराबर है, ये अगर 5 के बराबर है तो बताइए कि 2x
अपॉन 3x² माइनस 5x प्लस 3, ये किसके बराबर होगा, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। दोस्तों ऊपर बच जाएगा, अगर मैं ऊपर नीचे x डिवाइड कर दूं क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ मैं x डिवाइड करूंगा तो 3x बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 3 बाय एक्स, ठीक है 2 बाय, इन दोनों से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, क्या बच जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स, है ना, माइनस 5, बस x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू मुझे पता है 5 के बराबर, यानी कि 2 बाय 3 इंटू 5 माइनस 5, यानी कि 1/5 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 है मेरा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखा है कि x प्लस रूट एक्स बराबर जो है वो रूट 3/2 के बराबर है, तो आपके पास एक बड़ा सा टर्म दे रखा है, उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे सवालों में आपको थोड़ा संभलना पड़ता है, अगर आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ कि 1 प्लस एक्स की रूट की वैल्यू और 1 माइनस एक्स की रूट की वैल्यू अलग से निकाल लेता हूँ, और देखिए कितना आसान मेरा काम हो जाएगा। तो इसको मैं अगर इसमें 1 ऐड करूँ तो लिख सकता हूँ 2 प्लस रूट 3/2, अगर 1 ऐड करूँ तो, इसी का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। अगर इसमें मैं 1 में माइनस करता हूँ इसको तो लिख सकता हूँ 2 माइनस रूट 3/2, और इसी का रूट निकालना है मुझे। तो देखिए ऊपर नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर से इसमें, तो यहाँ हो जाएगा ये 4 और ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसमें भी मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, हो गया। अब दोस्तों जरा मुझे बताइए देख के, इसको मैं लिख सकता हूँ 3+1 प्लस 2√3, ठीक है, अपॉन 4 का होल स्क्वायर का रूट, सॉरी इसको मैं 3+1 माइनस 2√3 अपॉन 4 लिख सकता हूँ। जरा गौर से देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ से मैं आराम से लिख सकता हूँ ये √3+1 का होल स्क्वायर था और ये 4 का स्क्वायर, तो नीचे हो गया 2 ऊपर रह गया 1, ठीक उसी तरह से ये √3-1 है और ये नीचे 2 है, तो मुझे इसकी इसकी वैल्यू मिल गई, बस इसी की वैल्यू। ये टफ क्वेश्चन है, नो डाउट टफ क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना होगा आपको, और इसी की वैल्यू मुझे यहाँ ले जाके रख देना है ऑप्शन में। लगता है कि यह कंपोनेंट डिपेंडेंट लगेगा, बट यहाँ पे कोई भी तरीका आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब मैं रखता हूँ वैल्यू √3+1/2, √3-1/2, √3+1/2 -√3-1/2, 2√3/2 बराबर √3 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए टफ क्वेश्चन है, नो डाउट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मैं x, मैंने x की वैल्यू रखी, यहाँ मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसका स्क्वायर रूट मैंने निकाला, ठीक है, और तब मैं आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपको दे रखा है कि x की वैल्यू है जो √3-1 के बराबर है, √3+1 अपॉन √3-1 के बराबर, y की वैल्यू आपको दे रखी है उल्टा √3-1 अपॉन √3+1 के, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों ये तो आप पता लगा सकते हैं कि x वही होगा जो 1/y होगा, y वही होगा जो 1/x होगा। तो किसी भी एक की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, इसको मैं रैशनलाइज पहले कर लेता हूँ। अगर मैं ऊपर नीचे सेम √3+1 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोस्तों √3+1 से ही क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, जो साइन यहां है उसके उल्टा साइन से, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बने और ये एक रेशनल नंबर बन जाए। थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2+√3 अपॉन 2+√3, ठीक है,
नीचे कैंसिल होके, अगर ये 2 प्लस रूट थ्री है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 प्लस रूट थ्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, 2 माइनस रूट थ्री आ गई, 2 प्लस रूट थ्री। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं, इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 4, 4 स्क्वायर माइनस 2xy, xy क्या 1, सॉरी 2 इंटू xy क्या है, xy गुणा कीजिए 1 ही तो आ रहा है, तो 1, 16 माइनस 2 गया तो 14, आंसर मेरा आ गया 14, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। रैशनलाइजेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे कि हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाते हैं। रैशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद खुद ब खुद मुझे डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है नेक्स्ट, और ये थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा लेकिन बहुत आसान सा है। आपके पास एक कुछ इस तरह से टर्म है दे रखा हुआ, होल स्क्वायर प्लस ए बी। तो पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ बिल्कुल। इसको ओपन करूँ अगर मैं तो ये हो जाएगा, अरे इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ए बी है, यहाँ प्लस ए बी है फ्रेंड्स। ठीक है, ओपन अगर मैं कर ही देता हूँ तो ए स्क्वायर, दोस्तों ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए खुद ब खुद ये निकल जाएगा आपके सामने। और यहाँ ये दे रखा है p इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे भाई अगर आपको पता है तो अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ख़त्म, ये 4 और ये 4p। ठीक है, अब इसको मैं ले जाता हूं इधर, ठीक है। आपको पता हो या ना हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है 4ab के बराबर होता है, ये होता है। ठीक है, तो यानी कि 4p जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो 1 के बराबर होना चाहिए, 4p 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि तभी मेरा फॉर्मूला सेट कर पाएगा। ठीक है, 4p अगर 1 के बराबर होगा तो p किसके बराबर होगा, 1/4, और यही इस सवाल में पूछ रहा था कि p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू होगी 1/4, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 एक बार फिर से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन है, ये शायद आपसे बन ही गया होगा बट स्टिल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स प्लस 4 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 4 अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 4 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 4 बराबर 2 आपको दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों अब आप ऐसा कर सकते हैं, जहां भी आपको ए प्लस बी है ना, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा हो तो आराम से आप बिना कुछ सोचे समझे ए अपॉन बी कर दीजिए, इतना आपको कंपोनेंट डिपेंडेंटो पे पकड़ होनी चाहिए कि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, ये हो जाएगा। और इधर लगा दीजिए कंपोनेंट डिपेंडेंटो तो ये 1/2/1/2-1। ठीक है, तो सिंपल सा है, तो एक्स स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो ये एक्स अपॉन 4, ये एक्स माइनस 4, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9, तो एक्स प्लस 4 बराबर 9x माइनस 36, एक्स बराबर 40/8, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ऑप्शन नंबर 4 है मेरा करेक्ट आंसर। 48 का ऑप्शन नंबर 4, एक्स की वैल्यू 5। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा कि अब मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया कि अब हर एक क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो तो फिर सब कुछ बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में कहता है कि 5 प्लस
फाइव प्लस 20 एक्स माइनस 4x2 इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों। मिनिमम वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी वही करेंगे। तो पहले क्या करते हैं कि पहले ये जो माइनस आगे दिख रहा है ना, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे माइनस तो होता नहीं, तो माइनस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। माइनस को क्या करते हैं, एलिमिनेट। तो अगर माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से तो हो जाएगा मेरे पास 4x2 माइनस 20x माइनस 5, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। अब इसको अगर मैं 2ab के फॉर्म, क्योंकि इसको 2ab के फॉर्म में मैं ला सकता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे a दिख रहा है, तो अगर मैं इसको 2 मान लूँ और ये 2x है तो दो दो ना 4x। अब 20 होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 ही तो होना चाहिए, तो यानी b, b यानी 5 होना चाहिए। तो क्या करता हूँ मैं खुद बी स्क्वायर अपने मन से 5² प्लस माइनस ऐड कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 5, ठीक है, आसानी से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा ये जो है ये हो गया 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये है माइनस 25 माइनस 5 माइनस 30, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं वापस साइन से अंदर तो 30 माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 2x माइनस 5 का स्क्वायर जो है, ये जो है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, 0 से कम ये हो नहीं सकता है। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा 30, यानी कि कम से कम इस वैल्यू की 30 तो होगी, होगी ही वैल्यू, 30 से कम हो नहीं सकती है क्योंकि 30 माइनस 0 30 ही रहेगा, उससे कम तो इसकी वैल्यू जाएगी नहीं, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू 30 की 30 ही रहेगी, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, और एक काम करते हैं कि आज का ये आखिरी सवाल रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी सवाल ये है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आखिरी सवाल आज का, आपको दे रखा है कि √5 पे पावर 7 पर 7 इन डिवाइडेड बाय √5 पे पावर 5 बराबर 5 पे पावर p है। 5 पे पावर में लिख सकता हूँ इसको 7/2, इसको लिख सकता हूँ डिवाइड अपॉन 5 पे पावर 5/2 बराबर 5 पे पावर p। बेस सेम है तो, और बेस अगर सेम है तो डिवाइड डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 5 पे पावर 7/2 माइनस 5/2 बराबर 5 पे पावर p। यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ मुझे p की वैल्यू, बेस सेम है तो पावर को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो p की वैल्यू यहाँ मुझे 1 आ गई, यही इस सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यहीं पे इसको मैं एंड करता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को।